आपने यार अपने कैप्शन में क्या लिखा है? टैग योर वाइफ। इसका मतलब ये हस्बैंड और वाइफ है, इतने इतने छोटे हस्बैंड और वाइफ। अच्छा बात नहीं है ये, अच्छा बात नहीं है। वैसे भी ना इंडिया में बाल विवाह वैन है, कहते ही वैन है। इनकी वीडियो ना टैग करो ट्विटर पे जाके। Hey guys, it's me, Anis Ansari। तो दोस्तों आज मैं कुछ हटके दिखाने वाला हूँ आपको, कुछ हटके बहुत ही हटके। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर किसी ना किसी के मुंह सुना होगा, अक्सर कि उस फलाने ने अपने हस्बैंड को गुलाम बना रखा है, बिल्कुल गुलाम बना रखा है, कि फलाने ने अपने बॉयफ्रेंड को गुलाम बना रखा है, अपने बॉयफ्रेंड से काम कराती है या अपने हस्बैंड से काम कराती है, अपने पैर दबाती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों के मुंह। मैंने भी सुना है कोई ना कोई बंदा जिक्र कर देता है कि ये वो अपने हस्बैंड से बर्तन मजवाती है, पैर दबाती है, अगैरह बगैर कि वो अपनी जोरू का गुलाम है। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ जोरू का गुलाम रियल में। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है। लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो देखी जिसे देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। चलो आपकी भी आंखें फाड़ता हूँ, ये रही सामने। अरे बाबा, आप इस वीडियो में देख सकते हो एक लड़की है एक लड़का है, लड़की के तलवे चाटता है लड़का। मतलब ये लड़की जो है ना अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने हस्बैंड को कुत्ता बना के रखती है, कुत्ता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये लड़की अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को कुत्ता बना के रखती है, कुत्ता। इसके हर वीडियो में आप देख सकते हो, हर वीडियो में, किसी वीडियो में लड़के को ये कुत्ता बना देती है, किसी वीडियो में लड़के से अपने तलवे चढ़वाती है, किसी वीडियो में लड़के से अपनी सेवा कराती है, हाथ पैर दबाती है, किसी वीडियो में ये लड़के के ऊपर अपना पैर रखती है, ऊपर नहीं सर पे पैर रख देती है। और किसी वीडियो में ये अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी ले लो कूद के उसके पेट पे चढ़ जाती है। खत्म। इसकी इसी टाइप की सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरे ख्याल से ना इसने सोचा, अपने माँ बाप से बोला होगा, पापा मम्मी मेरे को जोरू का गुलाम चाहिए जो मेरी गुलामी करे, मेरे तलवे चाटे और मेरी सेवा करे, मेरे पैर दबाए, मेरे पूरे अंग अंग को चाटे। इसने मम्मी पापा से अपनी ये डिमांड करी होगी और ये ख्वाहिश जाहिर करी होगी अपने मम्मी पापा को। लेकिन अफसोस की बात, ऐसा हस्बैंड ना मिल सका। अफसोस की बात, रियल लाइफ में ऐसा हस्बैंड ना मिला तो इसने रियल लाइफ में हस्बैंड ढूंढ लिया। वो भी किराए का। तो इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे 3 से 4 लड़के पाए जाते हैं और वो 3 से 4 लड़के इसकी गुलामी करते हैं, इसके अंग अंग को चूम रखा है उन लड़कों ने। Oh my God! Wow! मतलब ये दिखाती है अपनी वीडियो के जरिए कि लड़कों की औकात क्या है, ये दिखाती है। इसको ना रियल लाइफ में जोरू का गुलाम नहीं मिला तो रियल लाइफ में किराए के पतियों से अपनी सेवा कराती है, अपने तलवे चढ़वाती है, तलवे क्या, अंग अंग चढ़वाती है प्राइवेट पार्ट के साथ।
ऐसा भी हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा ऐसा भी हो सकता है? नहीं। जो हमने आपने सुना था लोगों के मुंह कि फलाना जोरू का गुलाम है कि ढिकाना जोरू का गुलाम है, वो हमने आपका तो पता नहीं, मैंने तो देख लिया आज रियल लाइफ में, ना सही लेकिन रियल लाइफ में मैंने देख लिया। इसकी वीडियो देखने के बाद मैं शॉक हो गया, बिल्कुल शॉक। मैं सोच में पड़ गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये सब देखने के बाद मेरे दिल से एक ही फीलिंग आई कि काश काश मैं अंधा होता। बस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, आधी अधूरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इतना भी पसंद आए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं इसका दूसरा भाग बना दूंगा और अच्छे से बनाऊंगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, बाकी आप लोगों ने कहीं पे इस टाइप का होते हुए देखा तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए था। अगर वीडियो पसंद आए, इतना भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेना, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन यार बड़े अफसोस की बात है, मैं तो शौक रह गया, बिल्कुल शौक रह गया। क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है क्या ऐसा भी? बाय।